नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया का खिताब जीता है। उन्होंने इस वर्ष मुंबई में हुए फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है, जिसको लेकर भारत टाइम्स न्यूज की टीम ने निकिता के परिवार से खास बातचीत की। आइए आपको बताते हैं निकिता का परिवार उनकी इस जीत पर कैसा महसूस करता है। फेमिना ग्रुप मिस इंडिया 2024 से विनर निकिता पोरवाल के माता पिता से हमारी टीम ने चर्चा की। चर्चा में बताया निकिता हमेशा उसकी माता जी को बताती थी कि एक दिन मैं मिस इंडिया बनूंगी और आपका नाम और दादा दादी का नाम इंडिया में नाम रोशन करूंगी। मिस इंडिया निकिता पोरवाल के पिता द्वारा भारत टाइम्स न्यूज़ से जानकारी में बताया कि सर्वप्रथम फेमिना ग्रुप की प्रशंसा करता हूँ कि निष्पक्ष उन्होंने आज हमारी बेटी को मिस इंडिया तक पहुँचने में मदद की। फेमिना ग्रुप मिस इंडिया 24 निकिता पोरवाल की दादी ने भी निकिता पोरवाल के पिता के बारे में बताया, हम धन्य हैं जो हमें ऐसी संतान प्राप्त हुई। ऐश्वर्या राय के नक्शे कदम पर चलना चाहती है मिस इंडिया निकिता पोरवाल, कभी सीता तो कभी मोहिनी बनकर जीती हैं। दिल मिस इंडिया 2024 की विनर मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल बनी है। उन्हें साल 2023 की विजेता रही नंदिनी गुप्ता ने ताज पहनाया। मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकाल की नगरी उज्जैन का मान बढ़ाने वाली निकिता पोरवाल एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की बहुत बड़ी फैन हैं। हालांकि बड़े बड़े सपने को देखने के साथ उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही निकिता पोरवाल की खूबसूरती किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। कभी हसीना तो कभी सीता तो कभी मोहिनी बनकर दिल जीत लेती हैं। इतना ही नहीं, निकिता पोरवाल के ग्लैमर लुक्स फैंस को दीवाना बना देते हैं। दादाजी, आपको कैसा लगा आज मिस इंडिया के नाम पर मोहर लगी है, तो आप क्या फील कर रहे हैं? कि उसका फील क्या, जिस समय खबर आई कि निकिता ने मिस इंडिया का खिताब जीता, उस समय मैं सो रहा था। मुझे मेरी बेटी ने उठाया तो एकदम चुकी, बड़ा पापा जो क्या हुआ, तो मैं बड़ा थोड़ा सा घबरा सा गया, लेकिन उसने कहा कि वो निकिता ने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है। तो वो पल एक तो अमृत पिला दिया, और वो शरद पूर्णिमा का उत्सव था। हमारी धर्मपत्नी ऊपर से खीर बना के ला रही थी कि खीर आज अमृत टपकेगा, तो एक अमृत ऊपर वाले का और एक बिटिया ने डबल अमृत का अमृत पान किया हमने। तो उस पल को आप अमृत, जिसने अमृत पान किया उसका क्या वर्णन किया जा सकता है। दादाजी, एक चीज और बताइए कि निकिता आपकी सबसे लाडली थी, जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है। छोटा बेटे लाडली होती है, जो छोटा होता या तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा। आज बुलंदियों के शिखर पर है, कभी आपने सोचा था कि बुलंदियों के शिखर पर हमारी होती जाएगी? नहीं, नहीं सोचा था, लेकिन भाग्य का लिखा हुआ जो है कर्म करने से मिलता है, उसके भाग्य में था। और उसकी बड़ी आकांक्षाएं थी कि मैं कुछ करूं, आज भी उसकी आकांक्षाएं करूं कुछ, और उसने अपने शिखर पर पहुंची है। तो आप देख सकते हैं कि दादा दादी से भी हमारी बातचीत हुई है। और दादी बताइए, आपकी पोती मिस इंडिया का खिताब जीतकर हासिल किया है और मध्य प्रदेश के साथ साथ उज्जैन, मध्य प्रदेश और ऑल ओवर इंडिया का नाम रोशन किया है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरे को खूब अच्छा लगे। बोले नाथरी विनती थी, बढ़िया आगे लिख करिए, और आगे लिख रहे, अच्छा बढ़िया। तो आप देख सकते हो कि वो आगे बढ़ती जा और नाम करते हैं हमारे अशोकलाल जी का। तो आप देख सकते हैं कि निकिता की दादी ने क्या बताया कि अशोक का नाम, मतलब अशोक मतलब निकिता के पापा का नाम रोशन किया जाए। हम फिर बताएंगे कि यहाँ पर भगवान की पूजा वो करती थी और इसी रूम में वो स्टडी करती थी, और आज भगवान ने भी उनकी प्रार्थना सुनी और भगवान ने आज ऐसा नाम दिया है निकिता पोरवाल को कि आज उज्जैन का नाम तो गौरविंद किया है, मध्य प्रदेश का भी किया है, इंडिया का भी किया है, और फेमिना ग्रुप किताब जीत कर वास्तविकता में उसने अपने मम्मी पापा का नाम किया है, साथ में दादा दादी का भी किया है, और बहुत ही प्रशंसा की बात है। आज वर्ल्ड में वह निकिता पोरवाल के नाम से जाना जाएगी, और हम चाहेंगे कि उनके पिताजी भी हमारे चैनल के माध्यम से और को भी कुछ बताना चाह रहे हैं, तो हम पूछें कि हाँ बताइए। मैं धन्यवाद विशेष करना चाहूँगा फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का, कि जो भारत की नारी को इस मुकाम पर, इस स्टेज पर लेके जाते हैं और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होती है वहाँ पर, और एक छोटे से छोटे शहर से भी वो अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, और केवल टैलेंट के और के आधार पर चुनते हैं वो। मैं फेमिना मिस इंडिया का पूरा धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बेटी को यह अवसर दिया, धन्यवाद। तो
प्राप्त हो सकता है, क्योंकि फेमिना ग्रुप को भी धन्यवाद अपने चैनल के माध्यम से उन्होंने दे दिया है। और बड़ी भाग्यशाली है बेटी जो आज माता पिता के साथ में दादा दादी का भी नाम रोशन किया है। परिवार में दो बेटी एक पुत्र हैं, जो कि बेटी बड़ी बेटी है उनकी इंदौर में शादी की है, बेटा जो है वो हरियाणा में पानीपत में है, वहाँ पर जॉब कर रहा है। और निकिता पोरवाल तो आप जानते हैं कि आज बुलंदी के शिखर पर हैं। भारत टाइम्स न्यूज़ के साथ में कैमरा पर्सन कार्तिक परमार के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट उज्जैन। देखिए मध्य प्रदेश उज्जैन की निकिता पोरवाल ने फेमिना ग्रुप का मिस इंडिया खिताब जीता है। हम आज यहाँ खड़े हैं, हम आपको दिखा दें कि ये निकिता का घर है जहाँ शुभ लाभ लिखा हुआ है और यहीं वो रहती थी और यहीं उसने पढ़ाई करी। और ये जो घर है उसके माता पिता का है। इस घर के अंदर उसके दादा दादी और माता पिता निवास करते हैं। अब हम उनके माता पिता से भी बात करेंगे। अब हम निकिता के घर में आ चुके हैं जो कि मिस इंडिया है और भारत के लिए भी बड़ी गौरवशील की बात है। आप देख सकते हैं कि निकिता के माता पिता भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम इधर बैक साइड दिखाएंगे कि उनके दादा दादी भी हमारे बीच में हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान का मंदिर भी है, तस्वीर भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहीं वो निकिता ने स्टडी करी है। खास बात तो हम बता दें कि ये जो शील्ड रखी हुई है ये निकिता ने ही जीती है। और आज हम बता दें कि उसने रामलीला में भी काम किया है जो कि मार्केट में और बाहर आ चुकी हैं। हम उनकी माताजी से बात करेंगे कि मैडम बताइए आपका क्या नाम है। जय श्री कृष्णा, मैं उज्जैन से राजकुमारी पोरवाल और बाबा महाकाल नगरी से हूँ। मैडम बताइए कि आज निकिता ने बुलंदी का शिखर हासिल किया है, आपका नाम गौरवान्वित किया है, आपको कैसा फील हो रहा है? मैं जितने शब्द अपने बेटी के लिए कहूंगी उतने बहुत कम हैं और भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि मेरी बेटी और बुलंदियों पर ऊपर जाएं। और निकिता ने जो परचम लहराया है हमारे उज्जैन नगरी का और मध्य प्रदेश का और पूरे भारत का, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारी बेटी आज इस मुकाम पर है। और भगवान से महाकाल से प्रार्थना करूंगी और सबसे मेरे सर्वेश्वर मेरे खाटू श्याम बाबा, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगी कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे और वो उसको मिस वर्ल्ड तक लेके जाए। और हमारे भारत ने अभी मतलब पिछले 2 या 3 साल से क्राउन नहीं जीता है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में हमारी निकिता वो पहली मध्य प्रदेश होगी जो क्राउन जीत कर लाए और भारत को दे, मैं यही कहना चाहूँगी। मैडम बताइए कि जिस प्रकार से आपने प्रिपेयर कराई, यानी स्कूल जाती थी उस समय हमने जहाँ तक हमने सुना है कि एक फैंसी ड्रेस आप पहनाती थी, तो आपसे रिक्वेस्ट करती थी कि मैं भी मिस इंडिया बनूं, तो आज वो मिस इंडिया बन गई है, तो अब आपको कैसा लगा है? निकिता की मतलब जब स्कूल जाती थी वो तब मेरी दिल की इच्छा थी और निकिता की उससे ज़्यादा थी कि मम्मा मुझे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है मेरा स्कूल में, तो आप मुझे मॉडल बनाकर भेजें, तो मैं उसको मॉडल बना के भेजती थी और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में निकिता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और कई प्राइजेस उसने मतलब स्कूल से जीते हैं। और अदर एक्टिविटी में उसका सांस्कृतिक प्रोग्राम है, रामलीला कृष्ण लीला सभी में उसका विशेष योगदान रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको भी बड़ा अच्छा लगता था कि आज हमारी बेटी इन सब चीज़ों में बड़े जोर शोर से भाग ले रही है। तो हम उसके दादा दादी मम्मी पापा पूरा परिवार, और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरे माता पिता मेरे सास ससुर, आज उनकी वजह से उनके पुण्य प्रताप की वजह से आज हमारी बेटी इस जगह पर है और उनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बना रहे और भगवान से यही प्रार्थना। तो आप देख सकते हो हम उनके पिता से भी बात करेंगे, अशोक पोरवाल जी हमारे बीच में हैं, हम बात करेंगे। अशोक जी बताइए कि जिस प्रकार आज बुलंदी के शिखर पर निकिता हैं, उज्जैन का नाम गौरवान्वित किया है, मध्य प्रदेश का क्या है, उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में भी नाम रोशन किया है और थोड़े दिन बाद वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? अवश्य ही बहुत अच्छा लग रहा है। और एक पिताजी के लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि उसके नाम उनकी बेटी उनके नाम की पहचान बन गई, मतलब मुझे जो है मेरी बेटी के जो है कार्य की वजह से पहचाना जाना जाएगा मुझे, इससे एक पिता के लिए कोई बड़ी बात हो क्या हो सकती है। अशोक जी एक बात बताइए कि एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, उसमें आपने बोला है कि आज हम भाग्य यानी हम सौभाग्यशाली हैं कि जो ऐसी बेटी पाई है, और आज जो वह अशोक पोरवाल के नाम से नहीं बल्कि निकिता पोरवाल के पिता के नाम से आपको जाना जाएगा, तो आप कैसा फील कर रहे हैं कि आज निकिता की वजह से आपका नाम भी बुलंदियों के शिखर पर है? भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं नहीं, जिस घर में बेटियाँ हैं वो सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, जहाँ जहाँ बेटी है वो परिवार ही समृद्धशाली है, मतलब जहाँ बेटी है वही समृद्धता है। कहाँ पर स्टडी करती थी निकिता, इसी रूम में स्टडी करती थी? जी हाँ, वो अधिकांश रूम जो है इसका यही स्टडी रूम था पूरा। तो आप देख सकते हैं माता पिता थे मिस इंडिया के
और अब हम मिस इंडिया के जो दादा दादी हैं उनको भी दिखाएंगे। ये जो उनकी निकिता की दादी हैं जो आज वर्ल्ड किताब में मिस इंडिया में नाम आया है, और दादाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम दादा से भी बात करेंगे।